आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जिलाधिकारी की अगुवाई में लापरवाह डॉक्टरों की होगी जांच। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही चरम पर। खबर जनपद भदोही से है, जहां महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में मरीजों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि डॉक्टर समय से नहीं आ रहे हैं। मरीजों को घंटों इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। अभी एक दिन पहले ही ऑनलाइन शिकायत मिलने पर जिला अस्पताल ज्ञानपुर में दो चिकित्सकों पर कार्रवाई का निर्देश डिप्टी सीएम ने दिया है। इससे कहीं ना कहीं यह साफ हो जाता है कि जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह में डॉक्टरों की लापरवाही चरम पर है। जनता से मिल रही शिकायतों पर आकाशभूमि न्यूज की टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि जिला अस्पताल में कई कर्मचारी और डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, जिस कारण मरीजों को परेशान होना पड़ता है। वहीं कुछ मरीजों की शिकायत यह भी है कि डॉक्टरों द्वारा महंगी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। ऐसे में जिला चिकित्सालय में ज़्यादातर मरीज ऐसे आते हैं जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। अब जरा आप ही सोचिए, ऐसे मरीज महंगी दवाएं बाहर से कैसे खरीद पाएंगे। बीते दिनों लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया था। आकाशभूमि न्यूज की पड़ताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका अग्रवाल देर से हॉस्पिटल पहुंची थी और लगभग एक घंटा पहले अस्पताल से रवाना हो जाती हैं। हालांकि शिकायत के बाद अभी भी डॉक्टर वर्तिका अग्रवाल के रवैये में सुधार नहीं आया है। इस संबंध में जब जिला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जनपद के सभी चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान जनता की बातों को भी सुना जाएगा और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व विकास मिश्रा की संयुक्त रिपोर्ट। जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स द्वारा जो ओपीडी करते हैं समय से नहीं बैठा जा रहा है, तो इसके लिए इसमें स्पष्ट निर्देश है शासन के कि 8 से 2 जो टाइम निर्धारित है उसमें डॉक्टर का अवेलेबल रहना और ओपीडी करना इसमें हर हालत में उसको करना होता है। और किसी प्रकार की अगर अपवाद है तो उसकी भी जानकारी उनको देनी होती है अपने विभागाध्यक्ष को, चाहे वो CMS हैं, SCMO हों। तो इस संबंध में जो आपकी शिकायत मेरे पास आई है, आपने संज्ञानित किया है, उसको हम लोग कड़ाई से उसमें कार्रवाई करेंगे और इसमें एक मुहिम चला के हम लोग अगले 10 से 15 दिन में जो सीनियर हमारे डॉक्टर्स हैं CMO DPCMO उनके साथ एक प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे किस टाइम से हमारा OPD स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम से नहीं। तो ये शासन के शीर्ष प्राथमिकता का बिंदु है और इसको किसी प्रकार की भी इसमें जो कोताही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। CMS का जो ऑफिस टाइम है वो हालांकि जनसुनवाई के रूप में नहीं होता, पर फिर भी उनकी अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में या ऑफिस में इनमें से किसी एक जगह जरूर होनी चाहिए जो टाइम है उसमें। और जो यहाँ तक जिला चिकित्सालय की बात है तो CMS को ऑलरेडी एक टास्क दी गई है कि हमारा जो भी इसमें अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई हैं सुविधाएं, चाहे वो एक्सरे की हो, CT स्कैन की हो, उसका भी वर्किंग प्लान बना रहे हैं। तो मैं उनको निर्देशित करूंगा कि इसमें पुनः इस प्रकार की समस्या ना आए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें WhatsApp भी कर सकते हैं।